मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 फरवरी 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि माघ माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। किसान खनोरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया, जिसके बाद लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं किसानों ने भी पथराव शुरू कर दिया, जिसमें थाना नारनौद के SHO चंद्रभान घायल हो गए। और सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं, हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। इससे पहले गुरुवार को अम्बाला पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी, इसके लिए उनकी संपत्ति कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे, लेकिन अब कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। और बड़ी खबर तो यह भी है, किसान आंदोलन के 11वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी में एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वह मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, परिवारवादियों, यूपी का भविष्य युवा बदल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार सुबह 10:45 लूट की कोशिश की गई। हथियार लेकर घुसे दो नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर को गोली मार दी। घटना जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में शुक्रवार सुबह हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया है। और बड़ी खबर यह भी है, जयपुर के झोटवाड़ा में PNB बैंक में हुई वारदात के बाद मौके पर भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़ भी लिया और जमकर धुलाई भी कर दी। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ भी लिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश कोटपुतली का रहने वाला भरत सिंह है और वारदात करने के लिए वह मोसेरे भाई को लेकर आया था। पुलिस ने मौके से भागे दूसरे बदमाश मनोज मीणा को भी दोपहर करीब 12:30 पकड़ लिया, उसके भी पैर में चोट लगी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अब BJP की डबल इंजन की सरकार बन तो गई है, मगर नई BJP की सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट वित्त का बन गया है, यानी कि खजाना खाली है। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार ने जिस तरह से जनता को फिर योजनाओं को लागू करने से पानी की तरह पैसा बहाया और सरकारी खजाने को पूरा खाली कर दिया, अब यह BJP की नई सरकार के लिए बड़ा संकट बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही कारण है, मनरेगा मजदूरों को पिछले कई महीनों से उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है और न ही बेरोजगारों को भत्ता मिल पा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, पिछली गहलोत सरकार ने अब तक के कार्यकाल में रिकॉर्ड 1,00,000 करोड़ का कर्ज लिया है, यानी कि राज्य के प्रत्येक नागरिक पर करीब 52,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। बजट की कमी है, इसीलिए मनरेगा मजदूरों की पेमेंट नहीं आ पा रही है और न ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हालांकि यह योजनाएं बंद नहीं होगी, मनरेगा मजदूरों की पेमेंट भी मिलेगी और बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले सरकार खाली खजाने को भरने में जुटी है। इसीलिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा पा रही है, बल्कि BJP ने तो वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव पड़ोसी राज्यों के समान होगा, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जानकारों की माने तो फिलहाल सरकार खजाने को भरने में जुटी है। अच्छा, साथ ही में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने वाली साइट कब तक खुलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, सरकार की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसे में आने वाले कुछ सप्ताह तक तो खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने की संभावना काफी कम है। हालांकि फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए नाम जोड़ने की संभावना है। इसको लेकर आगे जो भी कोई नई जानकारी आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने एक प्रमुख एजेंसी के जरिए राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर एक बड़ा सर्वे करवाया है। सूत्रों के मुताबिक एक एक सीट पर 2 से 3 नामों को लेकर सर्वे करवाया है और जो नाम सर्वे में सबसे आगे रहा उसे टिकट मिलने की संभावना सबसे अधिक है। अच्छा, इस सर्वे में जो प्रमुख नाम सामने आए हैं वह कुछ इस प्रकार है, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, प्रहलाद गुंजन, नरेंद्र कुमार, शुभकरण चौधरी, ज्योति मिर्था, सुभाष महरिया, अमृत लाल मीणा समेत और भी
प्रमुख नाम शामिल है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए इनको टिकट मिलना लगभग तय है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मान सिंह में बड़ी लापरवाही सामने आई है। SMS अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से बांदी कुई निवासी 23 साल के सचिन शर्मा की शुक्रवार को मौत हो गई। 12 फरवरी को सचिन को रोड एक्सीडेंट के बाद भर्ती कराया गया था। यहां मरीज को ओ पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया, जिससे दोनों किडनी खराब हो गई। मामला मीडिया में आने के बाद डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। मामले में मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर SK गोयल और सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर दौलत राम व ऋषभ चलाना APO कर दिए हैं और नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी खबर, जयपुर रेल मंडल के 16 रेलवे स्टेशन हाईटेक बनने जा रहे हैं, जहां वर्ल्ड लेवल की सुविधाओं के साथ हेरिटेज लुक की एंट्री के गेट बनेंगे। ये मोदी 26 फरवरी को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किए गए स्टेशन पर होने वाले कामों का शिलान्यास करेंगे। 15 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें रेवाड़ी, खेड़थल, अलवर, राजगढ़, बांदी कुई, दौसा, आसलपुर, जोबनेर, फुलेरा, नरेना, रिंगस, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर, सेखावाटी, नीम का थाना और नारनौल स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों का विकास होगा, यानी कि यह स्टेशन आने वाले दिनों में मॉडर्न फैसिलिटी वाले बनेंगे, जहां पर दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल सुविधाएं होगी और अच्छी फैसिलिटी के वेटिंग रूम भी बनेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि राजस्थान के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। फिलहाल भले ही प्रदेश का मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन जयपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 26 से 27 फरवरी के बीच एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है और इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। यानी 26-27 फरवरी को एक बार फिर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है एक आध स्थान पर बूंदाबांदी भी देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, फूड यूनिट लगाने पर 90% ऋण मिलेगा, साथ ही 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। पूरी योजना के बारे में आपको बताऊं तो इस योजना का उद्देश्य खाद्य से संबंधित योजना में अनुदान प्रदान कर इकाइयों को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर कोई आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, आचार व पापड़ के उद्योग, दूध व खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयों के लिए सरकार अनुदान देगी। फूड यूनिट लगाने पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा और 90% तक का ऋण भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। इस बजट में आम जनता को काफी सौगातें दी है। किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर यह है, हरियाणा के किसानों के 5 लाख तक के लोन पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने का फैसला लिया है। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज की बसों में BPL परिवारों को 1000 किलोमीटर तक का सफर बिल्कुल फ्री होगा। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। हरियाणा के किसान 31 मई 2024 तक फसल ऋण पर मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा हुई है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने वाले 2 टीचर को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि यह टीचर किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। दोनों के निलंबन का आदेश गुरुवार रात को निकाला गया। मामला कोटा के सांगोद कनवास का है। दरअसल स्थानीय लोगों ने 20 फरवरी को शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि सांगोद थाना क्षेत्र के खजूरी आदेपुर गाँव में सरकारी स्कूल है और यहाँ पर बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर भविष्य खराब करने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके चलते अब इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। इसमें करीब 5388 पदों पर हो रही भर्ती अटक गई है।
आपको बता दूं, जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को पंकज कुमावत व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। बड़ी खबर यह है, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते इस भर्ती परीक्षा का परिणाम अब जारी नहीं हो सकेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।